खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना वायरस की इस महामारी में कैसे निपटा जाए, इसके लिए अब लोगों को समझ में आने लगा है और एक सोशल डिस्टेंस का मतलब भी उनको समझ आने लगा है। इसी के चलते आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, मेडिकल स्टोर पर जो है वो लोग लाइन में लगे हैं और अब जो है मार्क लगाए गए हैं ताकि लोग एक दूसरे से सट के खड़े ना हों। प्रशासन भी बार बार यही अपील कर रहा है कि जो भी आपकी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको बंद नहीं किया गया है, आप किसी भी तरह से घबराएं नहीं, हर चीज़ की व्यवस्था होगी, बस ये शुरुआती दौर है, एक दो दिन लगते हैं थोड़ी व्यवस्था बनाने में, लेकिन आप संयम रखें, आपको हर सुविधा जो है आपके घर तक ही उपलब्ध करा दी जाएगी, चाहे वो राशन हो, दवाइयाँ हो या अन्य किरियाने का सामान हो, सभी चीज़ें जो है आपको घर तक उपलब्ध करवाने की व्यवस्था जो है वो प्रशासन कर रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो है अब सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। और बात करें पुलिस विभाग की, तो डीएसपी वीरेंद्र सिंह जो है वो खुद अब मोर्चा संभाल चुके हैं और पुलिस कर्मचारियों को भी वो जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों से पेश आएं, आवश्यक रूप से जो लोग बाहर जा रहे हैं उनसे पूछें और उसके बाद कोई एक्शन लें, ना कि बेवजह किसी को ऐसे पैनिक करें ताकि पब्लिक में एक गलत फहमी जो है वो पुलिस के प्रति जाए। नाका बिलराज मोड़ नियर बस स्टैंड, अपना नाम लिखे सब इंस्पेक्टर फलाना थे। आराम से ऐसा नहीं, बसेस बंद हो गई है तो रोड के कर्मचारी ड्यूटी लगी हुई है, रेलवे कर्मचारी रेल बंद है लेकिन मालगाड़ियाँ चल रही है, तो रेलवे मतलब सेंटर का स्टेट का कोई भी कर्मचारी है, मैं ड्यूटी में जा रहा हूँ। जैसे जहाँ तक भीड़ का सवाल है, कल से बहुत कम लोग सड़कों पर नज़र आए हैं, हम लोगों को सैनिटाइज़ कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और लोग समझ भी रहे हैं। सर सुबह कुछ कर्मचारी कह रहे थे पुलिस वाले बिना बात पे ही डंडा दिखा रहे, लेकिन हमारी सुन नहीं रहे, हमारे पास आई कार्ड हैं, सीधा ही बोल रहे हैं क्या करने आए हो, कोई आई कार्ड नहीं देखा जा रहा। वही बातें हमारे सोनीपत में हर एक पुलिस ऑफिसर, जैसे मैं गोहाना सब डिवीज़न में सभी नाकों पे जाकर और सभी चौकी इंचार्जों को सभी जगह जाकर सभी पीसीआर को यही बातें बता रहे हैं कि किन किन वाहनों को जाने देना है, किन किन कर्मचारियों को जाने देना है, किन किन हालात में वो जा सकते हैं, वो बातें इनको समझाई जा रही हैं। सर शिकायत नहीं आएगी सर, पूरे हरियाणा को लॉकडाउन किया गया है, कोई उल्लंघनकर्ता को क्या कार्रवाई की जाएगी सर? उस पर कानून के तहत कार्रवाई की जाए, हरियाणा नहीं पूरा इंडिया लॉकडाउन है और उसके कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और उसमें कम से कम 6 महीने की सजा। और अफवाह फैलाने पर क्या रहेगा सर? जी जो अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह फैलाओ की वही कानून सम्मत जो भी होगा वो किया जाएगा। कल जैसे रोहतक में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है, कानूनी कार्रवाई अवश्य की जाएगी। जैसे खाने पीने से संबंधित कोई भी है, खाने पीने से संबंधित कोई भी गाड़ियाँ जा रही हैं, सामान लेके जा रही है, खाने पीने की संबंधित कोई इंडस्ट्री है, मान लो कि आटा मिल है, आटा मिल में गेहूँ जा रहे हैं, शेलर है, चावल के शेलर होते हैं, इसको तुम सेलर बोलते हो, वो शेलर है, शेलर का कोई भी इंडस्ट्री का सामान है, गेहूँ जा रहे हैं, मतलब इंसान की ज़रूरी चीज़ें खाने पीने की, इंसान के संबंधित कोई भी मेडिकल से संबंधित, चाहे मास्क हो, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे दवाइयाँ हो, वो गाड़ियाँ नहीं रुकवानी, आपने बिल्कुल नहीं रुकवानी है। पशु आहार, हरा चारा, खड़ बिनोड़ा, मुर्गी का दाना, मीट मछली जाए, गाड़ियाँ जाए, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह की जो भी है। दूसरा, जैसे खाली बोतल जा रही हैं, पानी की बोतलें हैं खाली करके आया तो भरी, अब इंडस्ट्री में जाएगा, मान लो पानी की इंडस्ट्रीज है, बिस्लरी की है, वो बिस्लरी की खाली बोतलें लेके जा रहा, उनसे संबंधित कोई गाड़ियाँ नहीं, चाहे रॉ मटेरियल हो उसका, ठीक है, नहीं है। सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पे जा रहा है, चाहे वो सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, ड्यूटी पे जा रहा हूँ,
ससुराल जा रहा है वो नहीं आई कार्ड दिखाएगा, तो मैं तो जी सीआईए का हवलदार हूँ, मैं हरियाणा पुलिस का हूँ, चाहे मैं भी हूँ, मैं ससुराल जा रहा हूँ जी, मैं तो अपनी किसी की मौत पे जा रहा हूँ, नो ड्यूटी पे जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अपने घर में बैठे, सिर्फ ड्यूटी पे जा सकता है वो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बिजली है, पब्लिक हेल्थ, पानी वगैरह का कोई भी है, सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी को आप समझते हो कि ये तो कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा तमीज उसके साथ करनी चाहिए, मतलब इतना ज़रूरी काम करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है, साफ सफाई का कर्मचारी है, पब्लिक हेल्थ का है, बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, कोई भी है वो सभी वो नहीं होगा।